रसूलाबाद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कमलेश चंद्र दिवाकर ने सपा सदस्यता अभियान को गति देकर जनता को भरोसा दिया कि आपके हर दुख सुख में समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा लगाकर साथ देगी। सदस्यता बहिया कार्यकर्ताओं को देते हुए उन्होंने कहा कि आज जिस जगह भी जा रहे हैं लोग भाजपा के आतंक से देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के बरगलाने पर वोट देने वाले लोग आज पछताकर स्वयं कह रहे हैं कि उन्हें ठगा गया है। उन्होंने सदस्यता अभियान को देते हुए कहा कि हर बूथ पर 50 सदस्य बनाने पर एक सक्रिय सदस्य बनेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी में जोड़कर सदस्य बनाएं, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा पर भारी वोटों से जीत दर्ज कराई जा सके। उन्होंने कहा कि रसूलाबाद नगर पंचायत के चुनाव को समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ने वाले नामों पर भी चर्चा कर कार्यकर्ताओं के विचार जाने तो सामान्य सीट पर हाजी फैजान खान व पिछड़ा वर्ग सीट पर विजय गुप्ता की दावेदारी आने पर कार्यकर्ताओं द्वारा हर्षध्वनि से स्वागत किया गया। पार्टी की संभवतः इन नामों पर विचार कर सकती है। सपा जिला उपाध्यक्ष हाजी फैजान खान ने कहा कि समाज को गुमराह कर वोट लेने वालों को इस बार जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार नगर पंचायत रसूलाबाद का चुनाव समाजवादी पार्टी जोर शोर से लड़कर जनता के हकों को लूटने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगी। सपा लोहिया के राष्ट्रीय सचिव विजय गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर सदस्य बनने की अपील कर पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की है। इसके पूर्व कमलेश चंद्र दिवाकर का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर बीरू कुशवाहा सभासद सुहेल सभासद ठाकुर सत्येंद्र सिंह शरद द्विवेदी नथु यादव संजय सिंह चौहान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर विधानसभा रसूलाबाद में अपने सभी विधानसभा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण हैं उनके समक्ष आकर के आज जो एक अभियान चलाया जा रहा है कि हर बूथ पर 50 सदस्य जो हमारे सक्रिय सदस्य बनाएंगे, उसमें फिर 50 पर एक हमारे जो 50 लोगों बनाने का काम करेंगे उसमें एक सक्रिय सदस्य बनेंगे। चूंकि 2024 एक महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है इस देश का और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों से जोड़ करके लोगों को और इस फतेह को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। और यहाँ पर सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार ये लोकसभा कन्नौज जो लगती है रसूलाबाद, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम होगा। ऐसा संकल्प हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है। और रहा जहाँ तक सवाल, हम लोग अभी चुनाव नवंबर में या दिसंबर में आगामी जब भी नगर परिषद और नगर पालिका का होगा लोकल बॉडी का, उसमें मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने का काम होगा और इसी पर आज विचार विमर्श भी किया गया है।